Namo Namaha. Good afternoon, everyone. Myself, Vaidya Sarika Bhujbal. I welcome all in Charak Sanhita Adhyayan Adhyapan Tadvidya Sambhasha, Unlock Charak Sanhita, a unique lecture series of 20 eminent Guru Aryas from all over Bharat on the behalf of Paramayurveda. Today, I am very glad to welcome nationally and internationally a renowned Vaidya guide guru Vaidyaraj Pavan Kumar Godatwar from Jaipur. He is MD, PhD, WHO diploma in STD AIDS, professor and HOD PG department of Rog and Vikruti Vidyan, National Institute of Ayurveda, Jaipur. Experience in supervision guiding PhD scholars, 6 theses. Experience in supervision guiding MD scholars 40 theses. Research experience doctoral 4 years, postdoctoral 20 years, MD level 19 years, extramural research project 6. He is the recipient of Madhav Ratna Award, International Academy of Ayurveda Physician, 12th March 2012. Also recipient of Purushottam Shastri Nanal Charak Award, Khadiwale Vaidya Research Foundation, Pune in 2013. Also, he has received Bhishak Bhushan Award from Nagpur in 2017. His great work in publication is 16 books and chapters, 54 research papers. He has participated in more than 89 national and international conference and delivered 90 guest lectures. His great work speaks about his intelligence and true dedication towards Shastra. Without wasting much time, we are really eager to learn and listen a single word from you, sir. So I will hand over this session to you and request you to focus on the concept of Shukra Virya Retas, Shastra or Vyavahar. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavad, Sarika ji, Mahesh ji. Bahut sare mitra mujhe sunne hain, ekatrit hue. Aapne mera parichay diya. Bahut dhanyavad. English, Hindi, basically Hindi mein baat karenge. Theek rahega? Hindi, sir. हिंदी सर. यस ठीक है. दो भागों में विभाजित है ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन. एक है इसका जो शास्त्रीय पक्ष है, शुक्र वीर्य और रेतस. ये क्यों तीन शब्द लिए हैं मैंने, और रेतो दोष मेल इनफर्टिलिटी के संदर्भ में, ये उसका व्यवहार पक्ष. ये तीन हिस्से में बांटने के बाद शुक्र परीक्षा न करते हुए रेतस परीक्षा, रेतो दोष की परीक्षा, ऐसा एक विचार रखने का प्रयास करूंगा मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ केस स्टडीज के साथ. तो शुरू करते हैं आज का विषय. एक टिपिकल सीन दिखता है हमको हॉस्पिटल में, जब आते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, पेशेंट कम्स टू डॉक्टर फॉर इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट. तो क्या आमतौर पर पाया जाता है कि डिटेल हिस्ट्री, जेनिटल एग्जामिनेशन तो करते ही नहीं है. मैं आम बात कर रहा हूं, मैं आप सब की बात नहीं कर रहा हूं. सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें भी केवल काउंट और मोटिलिटी पे फोकस करते हैं, और तुरंत हमारा एक दिमाग में विचार चलने लगता है कि काउंट और मोटिलिटी को बढ़ाने वाले दवाइयां कौन सी है, और फिर हम सारे शुक्रजनक द्रव्यों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं और दे देते हैं. और फिर एक दो दिन बाद फिर पेशेंट आता है, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम उसकी एक लैब इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी सी फेरिस पकड़ा देते हैं इस प्रकार की, है ना. पेशेंट का एक टिपिकल सीन, ही गेट द टेस्ट डन, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, एसआर, ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग पीपी, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, आरएफटी, टी3, टी4, टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन करा लो, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड स्कैन, एमआरआई, कैरियोटाइप, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सारे चीजों का एक उपाय जरूरी भी है, कभी कभी जरूरत भी पड़ती है, पर उसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनने के बाद ये एक साथ इतने सारे टेस्ट कराना, इसका एक
उदाहरण ऐसा लगता है कि ये एक शॉटगन अप्रोच है, आप लोगों ने देखा होगा, आप समझ सकते हो इस सीन को। जब हमारा अप्रोच ऐसा होता है तो कई बार जो हमने टेस्ट लिखी है वो ऐसे कागज के पुर्जे से ज्यादा कुछ नहीं रहता है उनकी वैल्यू, हमको खुद को भी नहीं पता चलता है कि इन टेस्ट का उपयोग क्या है, बस लिख दी जाती है। दूसरा जो अप्रोच है जो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको पहुंचे, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए राइफल अप्रोच। हम जब इन्वेस्टिगेशंस लिखे शॉटगन अप्रोच के एवज में, शुक्र पे आते हैं आयुर्वेद, सारे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूटी है हमारी और उनके डिसऑर्डर्स, उसके एक जनरल हेडिंग देता है शुक्र। शुक्र आमतौर पर सीमेन के साथ इक्वेट किया जाता है और ये लैब में जो बैठते हैं कि कोई भी स्लाइड दिखती है तो हमको सीमेन की स्लाइड दिखती है, स्पर्मेटोजोआ ही दिखते हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम सीमेन और स्पर्म की दिखते हैं हमको प्रत्येक केस में, जबकि ऐसा होता नहीं। एक स्पर्मेटोलॉजिस्ट, एक वाजीकरण स्पेशलिस्ट या आयुर्वेदिक लैब में बैठने वाला व्यक्ति रात की स्काय देखता है तो भी उसको स्पर्मेटोजोआ ही दिखते है, डाइनिंग टेबल पे बैठता है तो भी उसको ऐसा ही कुछ सीन दिखता है। तो हम लोग सारी चीजों को सीमेन के साथ इक्वेट करने लगे शुक्र, जबकि ऐसा शास्त्र में नहीं है। कंसेप्ट ऑफ शुक्र थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारा ये शास्त्रीय, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहा था। बहुत ज्यादा श्लोक वगैरह की बात नहीं करूंगा पर रेफरेंसेस दिए है। शुक्र की व्युत्पत्ति जो होती है वो शुक्र सोचे धातु से हुई है ना, जो जिसका मतलब है प्यूरिटी, स्वच्छता, सफेद, श्वेत, जो दैत्यों के गुरु का भी नाम है, प्लैनेट वीनस का नाम है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहल है, मधुर, स्निग्ध, अविश्रम, गुरु, पिच्छिलम, शुक्लम, बहु, अनुप्रवण, ये सारे श्लोक आप लोगों को याद भी होंगे, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है शुक्र के। फंक्शंस जो है, जब हम इनके विभिन्न फंक्शंस की बात करते हैं तो गर्भोत्पादन से लेके धैर्य, चवन, प्रीति, देह बल, हर्ष, ऐसे बड़े मजेदार दिखते हैं हमको, बड़ा स्पेक्ट्रम है। शुक्र सार की बात करते हैं तो सौम्य, सौम्य प्रेक्षिणा, क्षीर पूर्ण लोचन इव, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स दिखते हैं हमको। इसको, इन सबको भी हमको परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा शुक्र की व्याप्ति को समझने के लिए। लोकेशन शुक्र का बताया है चरक ने, सुश्रुत ने, दोनों ने, ये एंटायर बॉडी, कंपेरेबल टू प्रेजेंस ऑफ जूस इन शुगर केन, घी इन मिल्क, ऑयल इन तिल, सारे शरीर में व्याप्त है। लोकेशन की भी बात अगर करते हैं तो शुक्र को सिर्फ सीमेन के साथ सीमित कर देना कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं हम। तो शुक्र की आइडेंटिटी, एक धातु है, सात धातु में से एक है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है हमको कि जो फीमेल में भी सात धातु होते हैं, शुक्र फीमेल में भी है, तो मेल का जो सीमेन वाला पोर्शन है ये नहीं हो सकता फिर शुक्र। शुक्र इज स्टेटेड टू बी प्रेजेंट सिंस चाइल्डहुड इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल्स और फीमेल्स इन अव्यक्त फॉर्म। रेफरेंसेस है आप लोगों के सामने, वीर्य 25 साल में अभिव्यक्त होता है, तो कहीं ये एपिजेनिक फैक्टर्स तो नहीं है, एपिजेनेटिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो मिलते भी हमको रेफरेंसेस। एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा हमको मिलता है जिससे हम शुक्र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और इनहेरिटेंस, दो अलग अलग कंसेप्ट है। तो फर्टिलाइजेशन बड़ा मजेदार है, ऐसा डिटेल्ड वर्णन है 3000 साल पहले जिस पे अब तक नहीं पहुंच सका है मॉडर्न मेडिसिन। वो कहते हैं पुरुषस्य अनुपहत रेतसः स्त्रियश्च अप्रदुष्ट योनि शोनित गर्भाशयाया यदा भवति संसर्ग ऋतुकाले यदा च अनयो तथा युक्ते संसर्गे शुक्र शोनित संसर्गम अंतर गर्भाशयगतम जीवो अवक्रामति सत्व संप्रयोगा तदा गर्भो अभिनिर्वर्तते। ब्यूटीफुल वर्णन। इसमें एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन में जीव का वर्णन नहीं है, अदरवाइज बाकी सब सेम है, ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा होता है। हम लोग एक स्टेप आगे गए और जीव
जब तक अवक्रमण नहीं करता है तब तक गर्भ नहीं हो सकता, वो ये मानते नहीं है। या इस गद्य सूत्र में रेतस और शुक्र दोनों शब्दों का एक साथ वर्णन है। बड़े महत्वपूर्ण तत्व है ये, इस पे हमारे ध्यान देना आवश्यक है कि कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनहेरिटेंस में भी बहुत सारी बातें आती है, चरक शरीर 3:14 का सूत्र है ये कि मातृज पितृज आत्मज सात्म्यज रसज सत्वज भाव जो है उनकी, और उसी के अगले सूत्र में एक्सप्लेन करते हुए कहा चक्रपाणी कहते हैं कि बीज माने शुक्र शोणित, और सुश्रुत को कोट करते हुए कहते हैं कि बीजावयव की बात करते हैं, उपतप्तो भवति, जो उपतप्त है बीज अवयव वही पोर्शन उपतप्त होगा और बाकियों में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़े व्यापक कंसेप्ट की ओर इशारा करती है। शुक्र कुछ बहुत बड़ा तत्व है, सीमेंट से बड़ा है। इसके अलावा आजकल के जो साइंटिफिक रिसर्चेस है, जब हम 1983 से देखते हैं एक थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्मा वीजमैन की, और वैन बेंडेन की थियोरीज है, फ्लेमिंग स्ट्रासबर्गर बोवेरी, अगर आप लोग चाहो तो हम आगे इससे भी डिटेल में जा सकते हैं इनके, तो ये कहते हैं कि एक जर्म प्लाज्म होता है जो पूरे मानव जाति में उत्क्रांत होते रहता है, एक साथ सब में ट्रांसमिट होता है जर्म प्लाज्म। तो इसकी थियोरीज को अगर देखते हैं तब भी हमको समझ में आता है कि सीमेन से कुछ अलग तत्व है जो रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूटी में मदद करता है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी, जो आयुर्वेद में कंटिन्यूटी के लिए शुक्र धातु का बड़ा योगदान है। रिप्रोडक्शन में तो है ही, पर रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक अलग प्रकार का है। क्रिएशन और इवोल्यूशन के जो कंसेप्ट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इनके डिटेल्स अगर किसी को चाहिए हो तो फिर हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। डीएनए मेन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये भी हम जानते हैं। तो मेरा ये एक हाइपोथेसिस है, ये मैं कहना चाह रहा था कि जेनेटिक मैटर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एग्जैक्टली सिमिलर है वर्णन जो इसका शुक्र और न्यूक्लियोप्लाज्म का, रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ दोनों में। इसके मैं 6 युक्तियां देना चाहता हूँ बहुत तेजी से। विस्कस लिक्विड है, शुक्र श्वेत है, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी ऐसा ही डिस्क्राइब किया है, क्लियर विस्किट अंक्चुअस स्लाइमी रिसेम्बलिंग समवॉट द वाइट ऑफ एन एग, तो एग की जो सफेदी है उसके जैसा दिखता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। ये बॉडी स्ट्रेंथ करता है, सारे आईज टीथ बोन्स नेल्स बटक्स एक्सेट्रा सबको गवर्न करता है, इवन लव डिजायर प्लेजर हैप्पीनेस गुड हेल्थ को भी गवर्न करता है शुक्र, ऐसा तत्व है। तो ये सब तो सीमेन नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल एंड इट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल एंड थ्रू देम हेरिडिटरी क्वालिटीज, हाइट कितनी रहेगी, आंखों का कलर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म के द्वारा गवर्न होती है। तीसरा एक रेफरेंस मिलता है हमको शुक्र शरीर स्थान का, शुक्र इज अ सब्सटेंस विच परवेड्स द एंटायर बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग, सर्व प्राणिनः सर्व शरीर व्यापिनी शुक्र धरा कला, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। और ये आधुनिक टेक्स्ट कहते हैं बेसिक लिविंग सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज डिस्क्राइब बाय द जनरल टर्म प्रोटोप्लाज्म, विच कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल, अपॉन इट डिपेंड्स द पावर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल सिंथेसिस, द नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ द सेल क्विकली डाइज because it possesses no power of synthesis and regeneration. Nucleoplasm and nucleus can regenerate on and on and on. Stem cell theory bhi wahi se aati hai phir. Chautha ek bahut mahatvapurna reference hai, abhi aaj ke yug ke sandarbh mein bhi bahut zaruri hai isko hum samjhe, ki fragment of a cell which contains the nucleus rapidly resynthesizes aur phir se wo naya life shuru kar sakta hai. Virus jo hai ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसलिए नॉन लिविंग है, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इसलिए लिविंग है। तो ये भी, और आप लोगों को ध्यान होगा कि वायरस जो है ये या तो आरएनए या डीएनए इसमें क्लासीफाई होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोप्लाज्म के आधार पर ही उनका क्लासिफिकेशन होता है।
तो ये स्फटिकाभम की तरफ भी इसका इशारा है कहीं ना कहीं, प्यूरिटी की तरफ। सिक्स्थ एक रेफरेंस है कि ये मेल्स फीमेल चिल्ड्रेन सब में और सारे लिविंग बींग्स में होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म आंसर्स टू दिस रिक्वायरमेंट ऑल्सो, एक मेरा प्रिमाइस है, एक हाइपोथेसिस है। एक दूसरा रेफरेंस मिलता है हमको, प्रीति जो है एक शुक्र प्रीति होती है और मज्जा प्रीति होती है, लव मैप्स थियरी की तरफ जाती है, संकल्प वृक्षानाम श्रेष्ठम, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, शुक्र की व्याप्ति वहां तक है। क्लोनिंग का एक रेफरेंस मिलता है जिसमें दो फीमेल्स, फीमेल ईयूज, फीमेल शिप से एक नए क्लोन का निर्माण हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेल तत्व की जरूरत ही नहीं थी, पर शुक्र के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो शुक्र तत्व जो है वो लिया गया था मेल फीमेल सेल से ही। तो ये इतनी बात कर दी मैंने इसकी, क्लोनिंग की और शुक्र की। हम वीर्य की तरफ तेजी से चलते हैं, इसके रेफरेंसेस और चाहिए तो बात कर सकते हैं। वीर्य वेरियस फैक्टर्स फॉर सेक्सुअलिटी, चरक चिकित्सा 22 का रेफरेंस है। वीर्य अनुमान गम्य भाव है, चरक विमान स्थान में बताया है, भले ही नॉर्थ में पूरे हिंदी बेल्ट में वीर्य को सीमेन के साथ इक्विट किया जाता है, पर बेसिकली आयुर्वेदिक वीर्य शब्द जो है वो अनुमान गम्य भाव है, वो एक गुण है। चरक कहते हैं वीर्यम उत्थानेन, और इसको आगे 8वें अध्याय में पौरुष के साथ इक्वेट किया है। सुश्रुत ने भी शरीर स्थान अध्याय 2 में 45वें सूत्र में रेफरेंसेस दिए हुए कुछ। चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों वीर्य को गुण मानते हैं, इसलिए ये द्रव्य नहीं है, तो सीमेन नहीं हो सकता। ये साइको न्यूरो एंडोक्राइनल फैक्टर से सारे एक्सिस है पूरी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं। एक निश्चित समय के बाद वीर्य की अभिव्यक्ति होती है। नागार्जुन वीर्य को कर्म मानते हैं, तो सारे एक्शंस जो है इंक्लूडिंग इरेक्शन इजेक्युलेशन ऑर्गेज्म सारी चीजें वीर्य के में हम समाहित कर सकते हैं। रेतस सीधे सीधे सीमेन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा संशय की जरूरत ही नहीं है। शब्द की व्युत्पत्ति से लेके उसके जितने भी डेफिनेशन है, वाजीकरण का जो डेफिनेशन है वहां तक भी सब रेतस शब्द का प्रयोग किया गया है। चरक ने इजेक्युलेशन या रेतस के वेग का धारण न करने को कहा है, वाग्भट ने भी ऐसा ही कहा है। ये इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अभी तक मैंने इनकी मुझे लगता है कि 3 डिविजन्स बता दिए आपको। शास्त्रीय उद्धरण हमारे पास यथेच्छ है, और भी बहुत मिल सकते हैं, पर इसके इनका उपयोग क्या है, क्यों हम बकवास कर रहे हैं ऐसी, शुक्र अलग है, वीर्य अलग है और रेतस अलग है। इसका हमको चिकित्सा में बड़ा उपयोग होता है। इनके सीधे सीधे अलग अलग डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम टेस्टोस्टेरोन देखते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन को हम सीमेन मानते हैं या शुक्र मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं ऐसा भी, तो ये सिर्फ एक मेरा ये हाइपोथेसिस है कि ये एक वीर्य वर्गीय द्रव्य है और ये रेतस से एंटायरली अलग है, क्योंकि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर ये सिर्फ शुक्र होता तो जितना ज्यादा शरीर में होगा उतना अच्छा होगा ना सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और बच्चे भी होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो तो वो मेल कॉन्ट्रासेप्शन करता है, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक मुख्य घटक टेस्टोस्टेरोन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस अलग अलग है। तो शुक्र वीर्य और रेतस एकदम तुरंत हम इसको समाहित करें, हमारे समरी करें, शुक्र वीर्य रेतस और सीमेन सिमिलर है लेकिन बहुत अलग अलग भी है, ठीक है। सीमेन नहीं मान सकते हम शुक्र को, वीर्य गुण है, अनुमान गम्य भाव है और रेतस सीमेन है। इनको अगर हम क्लिनिकली अप्लाई करें तो एक हमको सूत्र मिलता है बहुत महत्वपूर्ण विविधाशित द्वितीय अध्याय में, शुक्रस्य दोषात् क्लेब्यम अहर्षणम्, रोगी वा क्लिबम अल्पायु विरूपम वा प्रजायते न च अस्य जायते गर्भः पतति प्रसर्वति अपि शुक्रम हि दुष्टम स अपत्यम सदारम बाधते नरम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पूरे शुक्र दुष्टि का लक्षण है, और इसमें एक्चुअली हमको 4 अलग अलग सिंड्रोम्स मिलते हैं। एक है पोटेंसी को लेके ना, क्लेब्य और अहर्ष। एक है हेरिडेटरी फैक्टर्स वाले, अल्पायु विरूपम व प्रजायते। एक है फर्टिलिटी से संबंधित कि न च अस्य जायते गर्भ। और चौथा है सदारम बाधते नरम, माने एसटीडीज।
तो एसटीडीज एक अलग क्षेत्र हो गया इन्फेक्टिव डिजीज का, इसको हम बड़े आराम से ट्रीट कर सकते हैं। पर इन तीनों को अगर हम समझे तो इसमें से एक पूरा का पूरा क्षेत्र है शुक्र का इनहेरिटेड डिजीज वाला, जो असाध्य हो जाता है। जब हम देखते कि शुक्रगत व्याधियां हो गई है तो असाध्य है, तो हम तो बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं शुक्र की ये जो व्याधियां है। तो इसको हम अगर हम मैंने जो हाइपोथेसिस दिया उसके हिसाब से अगर क्लासिफाई करें कि शुक्रगत शुक्र की कुछ व्याधियां हैं, वीर्य की व्याधियां हैं जिनको हम सेक्सुअल डिसफंक्शंस माने, और रेतस की व्याधियां हैं इनफर्टिलिटी और एसटीडीज। तो आज तो हम केवल रेतस की व्याधि पे बात करते हैं। वीर्य की व्याधियों का एक बहुत बड़ा अलग क्षेत्र है, शुक्र की व्याधियों का एक बहुत बड़ा अलग क्षेत्र है। इनकी सिर्फ मैं नमन करते हुए आगे चलता हूँ। शुक्र का जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल रिसर्च है, क्लोनिंग है, आयुर्वेद के क्षेत्र से भी हम कुछ इसमें बात कर सकते हैं। अतुल्य गोत्रीय जैसी चीजें जो आती है वो शुक्र के क्षेत्र की है, तो हम इनको फिर कभी देखते हैं। वीर्य में बहुत सारे सेक्सुअल डिसफंक्शंस वाले प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा अलग विषय है ये, तो इसको भी हम कभी फिर कभी के लिए रखते हैं। आज हम केवल रेतो दोष विजावी मेल इनफर्टिलिटी का अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं, व्यवहार वाला पक्ष। कितना बड़ा है प्रॉब्लम को इसका अगर मुझे उत्तर दे तो, मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कितना है, कितनी है, कोई बताएगा? महेश जी। जी सर। हाउ मेनी, कितना कितना लगता है आपको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी? मोर देन 45%। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है आपका, 60%। माने ये बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज फॉर मेल इनफर्टिलिटी का रेफरेंस है। कॉजेस क्या है मेल इनफर्टिलिटी के, अगर हम क्लिनिकल इसका देखें तो वैरिकोसीले, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है हमको यहाँ पे इडियोपैथिक 12% में। और इन सारों को हम बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक छोड़ दें थोड़ा सा, टेस्टिकुलर फेलियर अगर छोड़ दें तो बाकी चीजों को हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, पर अलग अलग कॉजेस की तरफ जाना जरूरी है हमको पता हो। एक और बात हमारे सामने आती है रेतो दोष में कि टेस्टोस्टेरोन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है ईस्ट्रोजन। एक लैंसेट में पेपर छपा है, आर ईस्ट्रोजन्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग स्पर्म काउंट्स। तो ये सामान्य और विशेष कंसेप्ट है रेतो दोष में, ईस्ट्रोजन की वृद्धि या टेस्टोस्टेरोन कम होना। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इनको हमको मॉडर्न लेबोरेटरी पैरामीटर से जानना जरूरी होता है अगर हम अच्छे से मैनेज करना चाहे रेतो दोष को। ईस्ट्रोजन बढ़ता है बहुत सारी चीजों से आजकल, है ना, प्रातश्चर्या, ये सवेरे से लेके पहले एक दो घंटे में ही 126 केमिकल्स 12 डिफरेंट प्रोडक्ट्स से हम लगाते हैं, और सिर्फ फीमेल्स नहीं मेल्स भी लगाते हैं, तो इसका फर्क तो पड़ता ही है। एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे पेस्टिसाइड्स इतने भयंकर है ये कि हमारा स्पर्म काउंट रैपिडली कम होते जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेल पेशेंट जब आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर जेनेटिक एग्जामिनेशन की नहीं जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जरूरत पड़ी तो सीमेन एनालिसिस, एटलीस्ट 2 सैंपल्स। सीमेन एनालिसिस में हमको मिलता है या तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो फिर स्पर्म फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं, स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज चेक की जाती है। नॉर्मल हो तो फीमेल एवोल्यूशन, रेफर टू कोई गायनेकोलॉजिस्ट, इसकी हम बात नहीं करते अभी ज्यादा। अब नॉर्मल है अगर सीमेन सैंपल तो एक्सक्लूड गोनाडोटॉक्सिक एजेंट्स, एंडोक्राइन इवोल्यूशन जरूरी है, एडिशनल टेस्टिंग जिसमें जेनेटिक इवोल्यूशन जो मैंने पहले भी कहा था, अब यहाँ पे आने लगते हैं ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, स्क्रोटल या सोनोग्राफी, रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन का असेसमेंट, टेस्टिस बायोप्सी अगर जरूरत पड़ी तो, या वेसोग्राफी। ये एक्सक्लूड गोनाडोट्रॉफिक एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो शास्त्र में वर्णित है अम्ल, लवण, क्षार, कटु विपाक, इसका भी कहीं अत्यधिक सेवन तो नहीं हो रहा है, इसकी हिस्ट्री लेना भी आवश्यक है। फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअली हम करते नहीं है जेनेटल एग्जामिनेशन, सच में देखा जाए तो ये मैंने कर लिया है सर्वे, पर अगर कोई करता हो तो बधाई का पात्र है, करते रहे, बहुत जरूरी है। ये कुछ टूल्स है फिजिकल एग्जामिनेशन की, टेस्टिकुलर साइज वॉल्यूम में देखा जाता है, स्क्रोटल कंटेंट, टेस्टिस साइज एंड कंसिस्टेंसी,
एपिडिडिमाइज का साइज, कंसिस्टेंसी, वास डिफरेंस, प्रेजेंस और साइज, वेरिकोसील अगर पाल्पेबल है तो उसका साइज, प्रोस्टेट ग्लैंड उसका साइज और कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें, पिनाइल अबनॉर्मेलिटीज। मैं थोड़े से पिक्चर्स तेजी से दिखाना चाहता हूँ कैसे दिखते हैं ये, देख के कुछ आपको ध्यान में आता है अगर ऐसा पेशेंट आता है आपके पास, कोई बताएगा? मेल पेशेंट है, गायनेकोमास्ट है, गायनेकोमास्ट है बिल्कुल। अगर ऐसा पेशेंट आया तो हमको इसको दूसरे तरीके से भी एनालिसिस एसेस करना पड़ेगा ना लैब में। वेरिकोसील है ना, ये डॉपलर स्टेथोस्कोप बड़ा महंगा नहीं है, सस्ता सा है। अगर हमको वाजीकरण वाली प्रैक्टिस करनी है, वाजीकरण लैब बनानी है, तो ये सारे टूल्स जरूरी है, रखने चाहिए। और फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, उस करते ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि इस वजह से हो रहा है, हेतु ही उसका ये है। सिर्फ तेजी से जा रहा हूं, किसी को इसके डिटेल्स चाहिए हो तो हम फिर से लौटेंगे। कोनोकोकल सेक्सुअली एक्वायर्ड एपिडिडिमाइटिस, गोनोकोकल कंजेक्टिवाइटिस, पेशेंट आपको बता ही नहीं रहा है कि उसका पिनाइल प्रॉब्लम भी है। शैंक्राइड्स दिखते हैं ना, हर्पीस, वाट्स भी अनशॉकेबल, इस प्रैक्टिस में कुछ भी दिख सकता है आपको। अब हम थोड़ा सा चलते हैं सीमेन एनालिसिस की तरफ, बहुत तेजी से है ना। रेफरेंस वैल्यूज बदलते हैं 1992 से 2010 तक, अभी वर्तमान में अंतिम कॉलम जो है उसके पैरामीटर्स वैलिड माने जा रहे हैं। तो ये आप अगर नजर डालोगे इस पे तो ये बहुत कम हो गए, ये नॉर्मल है। वाइटलिटी 58% भी है तो काफी है। मॉर्फोलॉजी 4%, पहले मोर देन और इक्वल टू 30% नॉर्मल चाहिए थी, अब 4% काम चल जाता है। ल्यूकोसाइट काउंट लेस देन 1% वैसा का वैसा रहा है, लेकिन स्पर्म काउंट जो है वो लेस मोर देन और इक्वल टू से लेके 20 मिलियन से अब 15 मिलियन पे आ गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, 15 मिलियन नॉर्मल है। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद की लैब की अगर हम बात करें तो अष्टो रेतो दोष बताया है। इसके हम शास्त्रीय विवेचन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, चक्रपाणी क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है इसमें, क्योंकि शब्द अलग अलग है। सूत्रस्थान में जो अष्ट रेतो दोष का वर्णन आया है अष्टोदरीय में, उसमें फेनिल के बाद उन्होंने रुक्ष शब्द का प्रयोग किया है, और वहां पर सूक्ष्म है और सुष्कम, और योनि व्यापक चिकित्सा में फेनिलम तनु रुक्षम च, ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फेमस श्लोक तो यही है, फेनिलम तनु रुक्षम च विवरणम पुतिपिच्छिलम। 8 रेतो दोष होते हैं। सुश्रुत ने रेतस के आधार पर पहले ही अध्याय में वाजीकरण तंत्र का की डेफिनेशन दी है, और वहां पे वो प्रयोग करते हैं अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस का आप्यायन प्रसाद उपचय जनन निमित्त और प्रहर्ष जननार्थम च, वो जो होता है वो वाजीकरण तंत्र है। इसको अगर हम अपने लैब में करते तो डल्लन ने इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि अल्परेतस माने क्या, प्रकृत्येव स्तोक रेतस तेषाम आप्यायन निमित्तम, दुष्ट रेतसो वातादि दुष्ट रेतस, बड़ा इजी समझना, तेषाम प्रसाद निमित्तम। क्षीण रेतस बहुत सारे कारण से स्वमानाद अल्पीभूत रेतस, तेषाम उपचय निमित्तम। तो ये और विशुष्क रेतस भी है, अल्परेतस है, अल्परेतस पंचविशति तम अप्राप्ता, क्षीण रेतसु मध्य वयस कारणात अल्पीभूत रेतस, शुष्क रेतस वृद्धा। बड़े अच्छे से क्लासिफिकेशंस दे दिए इनका, हमको लैब पैरामीटर्स दे दिया है डल्लन जी ने। तो इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो रेतो दोष दो प्रकार से हो सकता है, या तो क्षय या दुष्टि। क्षय में प्राइमरी अल्प और विशुष्क है, और सेकेंडरी क्षीण है। दुष्टि फेनुल तनु रुक्ष विवर्ण पूति पिच्छिल औषादी और अन्य धातु उपसंश्लिष्ट, ऐसा हम लेबल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक सिमेनोलॉजी की रेतो दुष्टि का रिपोर्ट ऐसा जाना चाहिए, और इसका क्लिनिकल फायदा होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कोर थोड़ा सा समझते आगे कि ये अल्परेतस है, तो डल्लन ने जैसा कहा है
सुश्रुत ने जो कहा है कि ये शुरू से लेके बाय बर्थ ये अल्प ही रहेगा, ये कभी नॉर्मोजूस्पर्मिया नॉर्मल पैरामीटर्स की तरफ जाएगा ही नहीं, ये हाइपो ही रहेगा। इसमें आप पे एन करना है, इसमें अल्परेटस में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, डिलेड और पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मिलते हैं, स्मॉल साइज अट्रोफिक टेस्टिस होती है, नो एलिसिटेबल कॉजेटिव फैक्टर्स, पुअर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। इसमें ये तो रेफरेंस तो था अल्परेतस का सुश्रुत से, पर चरक क्या कहते हैं, काश चिकित्सा में उन्होंने शब्द प्रयोग किया है अल्परेतसी का, तो ये वाले योग प्रयोग कर सकते हैं आप, पिपली मधु वाला, इसको आप एक बार करके देखिए, इस इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता है हम लोगों को अल्परेतस अगर लैब की रिपोर्ट वैसे आ रही है। उपचय निमित्तम एडवोकेट करना चाहिए क्षीण रेतस में, क्षीण रेतस कौन सी कंडीशन है, जब नॉर्मोजूस्पर्मिया नॉर्मल होता है उसका आमतौर पर प्यूबर्टी से लेके अर्ली अडल्टहुड तक, पर अडल्टहुड के बाद मध्य वयस में किसी न किसी कारण से स्ट्रेस फैक्टर्स है या उसका उसकी जीवनीय शक्ति कम है तो वो कम हो जाता है उसका, वो नीचे आ जाता है उसके सारे पैरामीटर्स, तब उपचय करना जरूरी होता है। इस प्रकार की अगर हमको रिपोर्ट मिलती है तो हम उसको क्षीण रेतस लिखेंगे। क्षीण रेतस में प्यूबर्टी की डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, नॉर्मल साइज टेस्टिस होगा, डिक्रीज ऑनसेट ऑफ प्रॉब्लम के बाद टेस्टिस का साइज कम हो गया है, निगेटिव फैमिली हिस्ट्री मिलेगी और कुछ ना कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर मिलेगा कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, ऑटो चलाता है, कुछ ना कुछ आपको उसको उसके हेतु मिलेंगे, अलग इन्फेक्शंस मिलेंगे, डाइट एंड बिहेवियर की हिस्ट्री लेनी चाहिए, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ड्रग्स की हिस्ट्री मिलती है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अपने पेशेंट्स का क्षीण रेतस। थर्मल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा अभी कि ऑटो चलाने की हिस्ट्री मिलती है, इंजन के ऊपर बैठ के चलाता है ऑटो, क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग फैक्टर्स है, मंप ऑर्काइटिस हुआ होता है बचपन में, टाइफाइड फीवर है, माइल न्यूट्रिशन है, सिरागत वात जैसे कंडीशंस मिलते हैं। इसका भी रेफरेंस मिलता है हमको चरक के अन्नपान विधि अध्याय में कि क्षीण रेतस में कौन से उपाय करने चाहिए, तो उन्होंने धातराष्ट्र चकोर शिखिनामपी इनके मांस रस का सेवन करने का बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया है। क्षीण रेतस ये टर्म से भी मिलता है चरक में, तो इसको भी चेक कीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि प्रीणन सर्वभूतानाम हृदयो मांस रस परम, मांस रस का सेवन क्षीण रेतस को कराना चाहिए, और क्षीण रेतस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है हमको, ये प्यूबर्टी से तो उसका रेतस के पैरामीटर्स नॉर्मल है और मध्यम वय में कम हो जाते हैं, 40-50 के बाद डाउन होने लगते हैं, जिसको हम एडाम सिंड्रोम भी कह सकते हैं। फिर एक आता है संशुष्क रेतस, जिसमें वसापान विधीयते कहा है उन्होंने स्नेह अध्याय में, जनन निमित्तम में अत्यल्प रेतस है जो सिनाइल ग्रुप का है, वृद्ध अवस्था वाला, लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेतस हो गया है, जिसमें हमको शुक्रजनक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, पर वही मैं कहना चाहता हूं कि अश्वगंधा शतावरी आमल की यष्टि मधु ये सब मिला के नहीं देना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा भल्ला तक मुसली उष्ण है, आमल की शतावरी यष्टि मधु अष्टवर्ग शीत है, तो इनको एक साथ क्यों मिला रहे हो, आपको जब देना ही है तो एक ग्रुप ऑफ ड्रग दो ना, वो भी पेशेंट की अंशांश कल्पना देख के उसकी प्रकृति देख के आप तय कर सकते हो कि एक ग्रुप में अश्वगंधा मुसली दे सकते हो, दूसरे ग्रुप को शतावरी यष्टि मधु अष्टवर्ग दे सकते हो। प्रवर्तक, जनक प्रवर्तक, स्तंभक, ये सारे ड्रग्स इसकी लिस्ट आपको पता है, अहिफेन धतूरा, बड़े अच्छे बहुत कारगर दवाइयां हैं हमारे पास, पर इनका सिर्फ थोड़ा सा सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, किस कंडीशन में करना है ये हमको जानना है। वृक्षतम स्नेह की भी कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, चरक तो कहते हैं कि नष्ट रेतस में हम वृक्षतम स्नेह दे सकते हैं, तो इसका करके देखिए प्रयोग, रेडीमेड तो मिलता नहीं है हमको, किसी ने करना चाहिए इस पे उपयोग, तो आप लोगों के सामने, विद्वान लोगों के सामने मैं रख रहा हूं ये विषय, इसको एक बार चेक कीजिए करके देखिए। ये डॉक्टर बी एस प्रसाद ने सुश्रुत के रेतस परीक्षा और चरक की रेतस परीक्षा को मिक्स करके एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग हमारे वाजीकरण लैब में इसका प्रयोग करते हैं।
थोड़े से रेफरेंस देना चाहूंगा मैं आपको, ये प्रसाद निमित्तम है, शोधक गण है, ये सब आप लोग जानते हो, रक्तपित्तर चिकित्सा, योनिव्याप चिकित्सा, दोषानुसारी चिकित्सा, गुह्य रोग प्रतिषेध अध्याय, क्या होता है कि फर्टिलिटी में जब और आगे जाते हैं तो मेनी रिपोर्ट्स को हम आमतौर पर केवल ओलिगोजोस्पर्मिया के डायग्नोसिस करते हैं। एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये वाली वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे जी उनके सौजन्य से प्राप्त हुई थी हमको। इसको अगर आप गौर से देखो तो इसको जब देखते हैं हम तो 5 मिलियन है, हमारे दिमाग में सीधा आने लगता है कि ओलिगोजोस्पर्मिया है, और हमारे जो रेडीमेड दवाइयां होती है वो हम देने लगते हैं इसको, कि मुसली दे देंगे, शतावरी दे देंगे, और इसको जब डिटेल में पढ़ते हैं रेतस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इनकम्प्लीट आफ्टर 1.5 आवर्स है इसका लिक्विफेक्शन, और विस्कोसिटी इंक्रीज्ड है, तो इसको हमको पुनर्विचार करना चाहिए। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ सेमिनोग्राम, 1.5 ml वॉल्यूम है, नॉर्मल है, लिक्विफेक्शन टाइम 40 मिनट्स है, विस्कोसिटी इंक्रीज्ड है, क्या करेंगे? बाकी सब तो ओलिगोजोस्पर्मिया ही 5, तो सिर्फ ओलिगोजोस्पर्मिया करके ट्रीट करेंगे तो काम नहीं चलता है, इसको हमको अति पिच्छिल की तरफ लेना होगा, मुसली, कोकिला, शतावरी नहीं देनी है इसमें, क्योंकि दिस विल फर्दर इंक्रीज विस्कोसिटी, देयर बाय हैम्परिंग मोटिलिटी, तो इसको अति पिच्छिल मानते हुए त्रिफला, लोह भस्म, सुवर्ण भस्म ऐड कर सकते हैं। दूसरा सिमिनोग्राम है, ओलिगोजोस्पर्मिया ही है 5 मिलियन काउंट, लेकिन पीएच 8.8 है, पीएच बढ़ गया है उसका, तो ये रुक्ष रेतो दृष्टि है, इसमें आप इक्षुरस, दुग्ध, शतावरी, विदारी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एक सिमेनोग्राम है जिसमें लिक्विफैक्शन टाइम फिर से मोर देन 1 आवर है, इसमें ग्रंथिभूत रेता सही है, इसमें पलाश का शार, शटी, शिलाजत, चंद्रप्रभावटी, इनका अच्छा प्रयोग होता है। ये मैं आपको एक्चुअल बॉडी ऑफ रिसर्च से बता रहा हूँ आपको कि ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं और उनको लाभ भी होता है। और हम ये रेतो परीक्षा का सेमिनोग्राम है, इसको हमको इंटरप्रिट ही ग्रंथिभूत के भाषा में करना है तो ही ये काम का है, अदरवाइज ये ओलिगोजोस्पर्मिया तो है ही, ओलिगोजोस्पर्मिया ही हम देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इतना मेरे जो आज के लेक्चर का टेक होम मैसेज केवल इतना ही है कि हम सिमेनोग्राम के बजाय रेतस परीक्षा करना अगर शुरू कर दे तो उपयोगी रहेगा। ये कुछ और रेफरेंसेस है जिसमें अल्प में मिल्क, इक्षुरस, शतावरी, विदारी, विस्कोसिटी नॉर्मल है, इंक्रीज दे तो हम पिच्छिल कहेंगे, वर्ण कैसा होता है, उसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, च्यवनप्राश, शतावरी, सारीवा, कफ दृष्टि में त्रिफला, लोह भस्म, बहुत सारे शेड्स मिलते हैं हमको ना वर्ण में जब हम देखने जाते हैं। पीएच की बात करें तो रुक्ष मोर देन 8.5 अगर पीएच हो, और उस पीएच को नॉर्मल करने के लिए शतावरी, विदारी, कोकिलाक्ष अच्छा होता है, पार्टिकुलर डेब्रिस, अमॉर्फस मैटर, अन्य धातु संश्लिष्ट जिसमें दशमूल, उत्तर बस्ती के हमको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सात्म्य असात्म्य की भी बात आती है इसमें, दोषी विष की संकल्पना लेके चलनी चाहिए, पैटर्न्स ऑफ अग्लूटिनेशन, ऑटो इम्यूनाइजेशन, बहुत बेकार चीजें हैं ये, मिलते हैं पेशेंट्स बरसों तक तरसते रहते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट बड़ी दुखदायी स्थिति है, स्पर्म सरफेस एंटीजेंस होते हैं, इसमें हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, सत्व परीक्षा भी आवश्यक है इसमें। एक जाते जाते मैं एक बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि ये वराही कंद, विदारी कंद अलग अलग मिलते हैं हमको, प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन इसका एक सीरियस एडवर्स इवेंट भी हुआ था, एक केस बताते चलता हूँ आपको मैं। इट वॉज फाउंड दैट प्रूरिया टूबरोसा डीसी रिड्यूस सीमेन वॉल्यूम, स्पर्मोटोजोआ काउंट एंड इंक्रीजेस टोटल अबनॉर्मल फॉर्म्स, इट ऑल्सो रिड्यूसेस सेक्सुअल डिजायर एंड इरेक्शन। ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट 3 patients, that is 30% out of 10, with an increase of serum estradiol levels by 20 times. मैंने वो ठीक करने आया है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है और वो सीरम एस्ट्राडोल बढ़ा रहा है, प्रूरेरिया ट्यूबरोसा जो विदारी कंद माना जाता है, बहुत बड़ी स्टडी रही है उस वक्त, तो डॉक्टर आचार्य जी जिसे जिनकी स्टडी है ये, वो बड़े दुखी भी हुए थे, पर उससे ऑफशूट बड़े अच्छे स्टडीज निकले। तो इस पे भी ध्यान दें कि हमारे सारे वाजीकरण द्रव्य
कोई जरूरी नहीं है कि मेल फैक्टर में उपयोगी हो सकता है कि ये फीमेल फैक्टर में उपयोगी हो। तो मैं नहीं कहता कि ये वाला विदारिकन प्रुरेरिया ट्यूबरोसा जो इस्ट्रोजन बढ़ाता है मेल में काम का नहीं है, पर फीमेल में तो काम का हो सकता है। तो निरुपयोगी नहीं है, पर इसको हम बड़े सावधानी से मेल में दे। टेक होम मैसेज, कंसिडर साध्य साध्यता एंड काउंसिल अकॉर्डिंगली। सूर्य शुक्र इज सिमिलर टू वीर्य विच इज सिमिलर टू रेतस। शुक्र इज नॉट सीमेन, वीर्य इज नॉट सीमेन। इंटरप्रेट सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेतो परीक्षा। एडमिनिस्टर शोधन अप्रोप्रिएटली। सेलेक्ट ड्रग्स एंड थेरेपीज एज पर रेतो दृष्टि। ऑब्जर्व एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अवृष्य ड्रग्स नॉट ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शन बट ऑल्सो हैव क्लिनिकल अप्लीकेशन। कभी कभी हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वन सेटिस्फाइड पेशेंट इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। कोई कुछ भी बोलता रहे, पेशेंट अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हमारी प्रैक्टिस चलती है। आते हैं बहुत दूर दूर से पेशेंट्स। यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न के लिए रुका हुआ हूं। शुक्रिया। नमो नमः सर, बहुत ही स्वच्छ व्याख्यान था। मैंने बहुत सारा काट दिया क्योंकि ये क्या कहते हैं उसको, कि मैंने कई बार इतना मैटर हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कि इसको हम समेटे कैसे। तो मैंने बहुत सारा काट दिया, छोड़ दिया, रेफरेंसेस हटा दिए, ये मानते हुए कि आपको मेजर रेफरेंसेस पता है और जरूरत हो तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा विषय जो दूसरा है, जो हमारी ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस है, वो है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस वाला वीर्य के क्षेत्र में। इसको अगर हम ऐसे अलग अलग आइडेंटिफाई करें तो वाकई समझदारी की बात है और हम इसको अपनी प्रैक्टिस को वैसा सोफिस्टिकेटेड बना सकते, एकदम सुपर स्पेशलाइज्ड बना सकते कि हम वीर्य वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइप के इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हमारे पर्सनल लैब में या फिर रेतस की, दोनों भी कर सकते हैं, पर कम से कम कमरे अलग हो, यूनिट्स अलग हो। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस वाली यूनिट अलग और इनफर्टिलिटी वाली यूनिट अलग। कुछ पूछना है तो प्रश्न पूछिए। सारिका जी, महेश जी, मुझे लगता है कि जी सर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था, स्वच्छ था। मुझे एक पूछना है सर, जैसे आपने कहा कि ये शुक्र है, शुक्ल है, स्वच्छता का प्रतीक है, तो अशुचि ये हेतु प्रामुख्य से मिलते हैं क्या इसमें? मिलते हैं ना, माने एक तो बड़े ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे शास्त्रकारों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि सौमन्यस्यम गर्भकराणाम। तो सौमन्यस्य शब्द का जब हम पूरी व्याप्ति देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मन को प्रसन्न करने वाला एम्बियंस भी तो चाहिए। तो अशुचि तो उसका एकदम ऑपोजिट हो रहा है। अशौच हो, अनहाइजीनिक कंडीशन हो, खराब लग रहा हो, मन को दुख हो रहा हो, तो मजा नहीं आता है ना वहां पे, फिर कैसे गर्भधारण हो सकता है अच्छे से। अशुचि में इन्फेक्शन का भी रोल है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्टिव कंडीशंस होगी, वो जो मैंने बताया आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो तो सीधे सीधे अशुचि का मैनिफेस्टेशन है। केवल माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी ना हो, केवल खराब कपड़े, अनवॉश्ड अंडरवियर बहुत पहनने से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो भी गर्भ हानिकारक है। Reference of Vidarikanda in male as you have explained. तो ये डॉक्टर रवि नारायण आचार्य जी का थीसिस वर्क था। उन्होंने दो प्रकार के विदारिकंद मिलते हैं हमारे यहाँ ना, जो मैंने रेफरेंस दिया वो प्रुरेरिया ट्यूबरोसा का था, दूसरे भी विदारिकंद मिलते हैं। हमने मेल के लिए तो वो वाला यूज करना चाहिए, ये प्रुरेरिया ट्यूबरोसा सीरम एस्ट्राडोल को 20 गुना बढ़ाता है मेल के शरीर में। गायनेकोमेस्टिया होता है
तो पेशेंट आ दूसरे काम से रहा है और उसको हो उल्टा रहा है, तो ये हमने अवॉइड करना चाहिए आग बंद करके, इतना सही कहना था मुझे जी सर. Does semen pH has important role in infertility as allopathy denies pH role? अगर pH का कोई रोल ही नहीं होता तो करते क्यों है फिर वो टेस्ट, क्यों जबरदस्ती एक टेस्ट आगे बढ़ाना है. pH माने एसिडिटी या अल्कलिनिटी या नॉर्मल लेवल्स ना, नॉर्मल पता हो ना हमको. और ये जो योनि का pH होता है वो होता है 4, बहुत एसिडिक होता है. अगर सीमेन उसको न्यूट्रलाइज करके ओवम तक नहीं पहुंच पाता है स्पर्म, तो वहीं खत्म हो जाएगा. आ रहा है आपके ध्यान में, बहुत एसिडिक होता है योनि का पीएच. इसलिए सीमेन टू बी डिपॉजिटेड हाई इन द वेरी नियर टू यूटेरस, उसके मुख के पास, वहां के आसपास का जो पीएच है वो 4 है. और ये अगर पीएच बड़ा हुआ कम हुआ कुछ भी हो तो पीएच के मीडियम में ही तो इस स्पर्मेटोजोआ को तैरना है. तो थोड़ा सा भी अगर एसिड या अल्कलाइनिटी बिगड़ जाती है तो मीडियम ही खराब हो जाएगा पूरा. हम तो थोड़ी सी एसिडिटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो टॉलरेट नहीं कर सकते. ब्लड का थोड़ा सा पीएच आगे पीछे हुआ तो हमको खराब लगने लगता है, एसिडोसिस अल्कोलोसिस होता है, तो अच्छी कंडीशन नहीं है, उसको तो नॉर्मल ही रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डन फॉर पेशेंट विथ रिपोर्ट अजूस्पर्मिया, नो स्पर्म्स एट ऑल विथ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम की चीजें हैं. मैंने कहा ना कि वीर्य वाली चीजें हैं वो, ये रेतस की है. और इसके मैनिफेस्टेशन ये अजूस्पर्मिया क्यों हुआ है, कॉज क्या है उसका, मोमेंटरी है. क्योंकि अजूस्पर्मिया एक रिपोर्ट जो होती है, सिंगल रिपोर्ट अजूस्पर्मिया तो नॉर्मल में भी होता है. WHO की स्टडी है ये कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अगर 365 दिन रोज ये रिपोर्ट, तो उसका जो फ्लक्चुएशन है वो 250 मिलियन से लेके अजूस्पर्मिया तक जाता है. किसी किसी दिन अजूस्पर्मिया भी हो सकता है. तो अजूस्पर्मिया लेवल करने के लिए कम से कम 3 रिपोर्ट्स होनी चाहिए, और उसमें भी सफिशियंट एब्सटिनेंस के बाद 3 से 5 दिन, 3 दिन से पहले नहीं और 5 दिन के बाद का नहीं सैंपल हो, तो उसके बाद ही उसको अजूस्पर्मिया कहेंगे. और फिर अजूस्पर्मिया के डायग्नोसिस का एक बड़ा अलग सा फ्लो चार्ट है, जिसको हम माने क्या कॉज है उसका, अजूस्पर्मिया का ब्लॉकेजेस है या फिर सर्टोली सेल लॉन्ड्री सिंड्रोम है. और सर्टोली सेल लॉन्ड्री सिंड्रोम अगर होता है तो उसमें फिर हम कुछ बहुत अधिक नहीं कर सकते, तो जेनेटिक्स का विषय हो गया ना, फिर शुक्रगत व्याधि हो गई, वो असाध्य है, तो उसको मान लेना चाहिए. दूसरे उपाय है फिर उसको ठीक करने के, उनकी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के. पर अगर स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन सीमेन तक नहीं आ रहे और स्पर्म्स नॉर्मल है, तो भी आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई ना आर्टिफिशियल इनफर्टिलिटी ठीक करने की, इम्प्रेगनेशन की, जिसको हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज वाली, वो एक अलग विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है. पर उसके टेस्टिस में से हम पिक कर सकते हैं स्पर्मेटोजोआ और इम्प्लांट कर सकते हैं बाहर. तो अजूस्पर्मिया होते हुए भी, मैंने टेक्निकल अजूस्पर्मा होते हुए भी उसका नेचुरल बच्चा हो सकता है. What is treatment for seal in Ayurveda and modern? हाइड्रोसील की, हाइड्रोसील की आयुर्वेद की ट्रीटमेंट तो ये कि उसकी शीतल उपचार करने चाहिए उसमें. वेरिकोसील, वेरिकोसील में शीतल उपचार करने चाहिए. योग के जो बहुत कुछ होते हैं ना कि टब टब बात कराया जाता है, उसमें टब में बैठा के रखे उसको 20 मिनट तक ठंडे पानी में, मग्गे में ठंडा पानी लेके टेस्टिस को उसमें डुबा के रखे कम से कम 20 मिनट तक रोज. जितना शीतल उपचार करेंगे उतना अच्छा. हाँ, परिषेक हो, शीतल परिषेक और
ठंड शीत शीत वीर्य की औषधियां देनी है उसको, उसके वेरी को सील के लिए। जलोका चरण भी बोला है ना उसमें हाइड्रोसिल में? जलोका चरण बोला है, ये शोनित ये है ना, क्या कहते हैं उसे, मेरे मेरे दिमाग से शब्द हट रहा है अभी, निकल गया, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पर मुख्य रूप से जलोका चरण वगैरह हम लोग हमारे ओपीडी लेवल पे नहीं करते, रेफर भी नहीं करता हूँ मैं ना, हम लोग केवल शीतल परिषेक कराते हैं और शीतल औषधियां देते हैं, चंदन उशीर। उसका वेरिकोसील अलग चीज है, बहुत लंबा समय लगता है ठीक होने में, पर अगर हो जाता है थोड़े से भी स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं तो जिसको कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड AIH, ये उत्तर बस्ती आयुर्वेदिक उत्तर बस्ती रेतस की उसकी लेके, ये बड़े माने एथिकल इश्यूज है इसमें, बड़ा सोच समझ के करना होता है, इसके अलग के स्टडीज है, पर इसके सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है, फिर किया हुआ है हम लोगों ने और मिले अच्छे रेट्स वेरिकोसील के बाद। वेरिकोसील अपने आप में बड़ा अलग प्रॉब्लम है, सर्जिकल इंटरवेंशन की अपेक्षा रखता है। जी सर, शुक्र दृष्टि जेनेटिक डिसऑर्डर में कैसे विचार करें? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम हमारे जब हम कहते हैं कि मज्जागत व्याधियां और उससे आगे की व्याधियां असाध्य होती है, तो शुक्रगत जो व्याधियां हैं या शुक्र की जो व्याधियां हैं वो अगर जेनेटिक है तो हमारे लिए वर्तमान समय में एक तरह से असाध्य मानना चाहिए उनको, वो अट्टास नहीं करना चाहिए कि उसको हम ठीक करेंगे। मैंने बहुत सारे जिसको हम कहते हैं ट्राइजोमी एक्स वगैरह टाइप की जो है, अल्पायु विरूपम व प्रजायते न च अस्य गर्भ जायते गर्भ, ये सब शुक्र के क्षेत्र की व्याधियां हैं। ये अल्पायु विरूपम प्रजायते रिपीटेडली, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो अगर हमने कॉज भी खोज लिया उसका, तो जब तक वो टॉर्च वगैरह जैसे टेस्ट के अधीन है, उतना सही प्रॉब्लम हो रहा है, तब तो हम उसको ठीक कर सकते। पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो मॉडर्न मेडिसिन भी उसमें हार्ट टेक देता है, वो भी कुछ ज्यादा उपाय कर नहीं सकते। तो हमने पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए प्रत्यक्ष है, और फिर देखना चाहिए आगे क्या हो सकता है, पर बहुत ज्यादा आशाजनक परिणाम नहीं है शुक्र के व्याधियों में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। जी, हाउ डू वी इंटरप्रेट एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज? ये ऑटो इम्यूनिटी है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बहुत बेकार स्थिति है। स्लाइड से बड़े अच्छे बड़े सुंदर दिखते हैं, हेड टू हेड कोएगुलेशन, टेल टू टेल कोएगुलेशन, बहुत अच्छा पिक्चर दिखता है, पर वो पेशेंट में बड़ा खराब दिखता है। इसमें उत्तर बस्ती का बड़ा अच्छा रोल है, उत्तर बस्ती टू फीमेल। बेसिकली ये ऑटो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रहे हैं फीमेल के बॉडी में, तो वहां जाके वो एक दूसरे के सिर से सिर वगैरह चिपकने लगता है। तो इसमें हमको उत्तर बस्ती का बड़ा अच्छा रोल है, मेल और फीमेल दोनों को उत्तर बस्ती, बला तेल की उत्तर बस्ती, दशमूल तेल की उत्तर बस्ती, मेल एंड फीमेल बोथ, स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर्स यूज करते हुए अच्छे रिजल्ट्स है इसके भी। जी, काइंडली एंड हाईलाइट ऑन अतुल्य गोत्र एंड एज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अतुल्य गोत्र इज नॉट डायरेक्टली अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द फर्स्ट जनरेशन, इट इज डायरेक्टली वी कैन कॉल इट, इट इज अ कॉनसेंग्विनस मैरिजेस, एंड वेन मैरिजेस ऑकर इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हैपनिंग। मैं सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं इसलिए वो शुक्र के क्षेत्र के है, इसलिए अतुल्य गोत्र का रेफरेंस दिया है, और लंबे समय बाद तो इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि क्वालिटी तो कम हो ही रही है उसकी। अतुल्य गोत्र कॉन्सेंग्विनस मैरिजेस करने नहीं चाहिए एज फार एज पॉसिबल, हमारे शास्त्र ने तो मना ही किया है। आर देयर एनी हेतुस विच पैसिवली डू रेतस वेग धारण एंड रिजल्ट इन रेतस प्रॉब्लम? यस, रेतस वेग धारण इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन आवर शास्त्र,
डिस्पाइट वॉट एवर अदर थिंग्स आर बीइंग सेड, पर जो श्लोक है भागवत का भी कि झुरुम्बाश्रु चर्दी रेतसाम, रेतसाम से एंड होता है कि इनका वेग का धारण नहीं करना चाहिए, और रेतस के वेग का धारण करने से शंडता होती है, ऐसा चरक भी कहते हैं, शांड्य होता है, और ये क्यों रेतस का वेग धारण कर रहे हैं, इसके साइकोलॉजिकल कारण है। इसके हमने थोड़ा सा सर्वे भी किया था कि क्यों करते हैं, क्योंकि एक हैंगअप है, एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक बैरियर लगा होता है। रेतस को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी गई है शुक्र के साथ इक्वेट करके, कि इसकी बिंदु का रक्षण करना चाहिए और इसको बाहर नहीं बहाना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मैं मोरल कुछ बात नहीं करना चाह रहा हूं अभी, लेकिन वो बैरियर्स है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो अगर उसने गलती से रेतस का धारण किया है और उसको कहीं बहा दिया है, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना होता है उसका, उस वजह से उसकी इम्पोटेंसी होती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, अर्ली एजेकुलेशन होते हैं, एब्स्टिनेंस रखा हुआ है इसलिए, ऐसे बहुत सारे एंसिलियरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ठीक करना जरूरी है। शुक्राश्मरी भी इसी का परिणाम है ना? होता है, पर बहुत मिला नहीं है, कोई एक्चुअल लैब में कभी दिखा नहीं है शुक्राश्मरी। और वहां शुक्र का शब्द का प्रयोग किया है, किया है ना शब्दों के प्रयोग, मैं तो ये मान रहा हूँ कि ऐसा सीधा कहना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने दोनों रेफरेंसेस दिए आपको कि शुक्र इज इक्वल टू सेमन के भी यथेच रेफरेंस, बहुत रेफरेंस मिलते हैं, पर जैसे मैंने कहा ना, जैसे मॉडर्न मेडिसिन इसको कहता है कि टू फॉल्सिफाइंग द थियरी, अगर थियरी फॉल्सिफाई होती है तो उसको हटा दिया जाता है ना मॉडर्न मेडिसिन के रिसर्च में। तो शुक्र इज इक्वल टू सेमन, इस हाइपोथेसिस को एक भी ऐसा रेफरेंस मिल जाता है जो कहता है कि शुक्र इज नॉट जस्ट सेमन, समथिंग एल्स, तो ऐसे रेफरेंसेस भी बहुत मिले हैं ना अपने को, तो फॉल्सिफाई होती है वो वाला हाइपोथेसिस, फॉल्सिफाई हो जाता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और प्रैक्टिस में काम आता है, प्रैक्टिस को हमको अगर डेवलप करना है, सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाना है, तो जैसे यही है भुजबल साहब, तो महेश जी और सारिका जी ने एक और यूनिट खोला अगर, तो आई होप कि वो मेल इम्पोर्टेंस का एक पूरा एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है। ये अभी मैंने छोटा सा जो प्रेजेंटेशन दिया आपको एक घंटे का, वो तो 3-4 घंटे के हम गप मार सकते हैं उस पर, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे। मेल इम्पोर्टेंस ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है या ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस है आयुर्वेद की मेरी। इनफर्टिलिटी में तो फीमेल्स की भी जरूरत पड़ती है ना, हमको गायनेकोलॉजिस्ट की रेफर करना पड़ता है, उनके सहायता के बिना फीमेल्स को एग्जामिन नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, उत्तर बस्ती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माने फीमेल कंपोनेंट जो है वो मोर देन 50% है ट्रीटमेंट के हिसाब से। इनफर्टिलिटी ये भले ही कपल का प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रीट तो फीमेल में ही ज्यादा होता है ना जी। तो सुपर स्पेशलिटी अगर हमको करनी है और डेवलप करनी चाहिए, तो सीरियस क्लिनिक, रेतस क्लिनिक ऐसे, और लैब में भी ऐसे यूनिट्स बने, ऐसी एक होप है, बन सकती है, क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा सिर्फ सोच रहा हूं मैं जी। आपसे, आपके मुख से निकला है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मज व्याधि कंसेप्ट, टू व्हाट एक्सटेंट शुड हैव टू बी कंसीडर्ड व्हाइल हैंडलिंग मेल इनफर्टिलिटी विद एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस। ये कई बार क्या होता है, आपने तो यहाँ पे एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस कह दिया, ये तो आपको फिर दिख रहा है कुछ ना कुछ कॉज, ये एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा आगे से, कि हम सीमेन एनालिसिस में कहते हुए रेतो परीक्षा कहना शुरू कर दे जी। अबनॉर्मल रेतो परीक्षा अगर दिख रही है हमको, तब तो कुछ कॉज है। एक्चुअली कर्मज व्याधिक तो और भी बड़ा कंसेप्ट है, ये तो सब कुछ इटियोलॉजिकल, कोई कॉज ही नहीं मिल रहा है हमको, इडियोपैथिक है, सब कुछ नॉर्मल है उसका, एवरीथिंग नॉर्मल, फिर भी बच्चा नहीं होता है, फिर वो अडॉप्ट करते हैं और उसके अगले साल बच्चा हो जाता है, ऐसे बहुत पेशेंट्स में देखा है, आप लोगों के भी जानकारी में होंगे ऐसे एक दो, कि अनेक ऐसे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं 10-15 साल से इनफर्टाइल है, सब कुछ कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल, कुछ नहीं समझ में आता है, और एक वो नेक काम करते हैं कि अडॉप्ट किया, और फिर अगले साल उनको बच्चा हो जाता है।
इसका कोई उत्तर ही नहीं, और लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर है। कर्मज व्याधि का तो है ही कंसेप्ट जी। कैन विदारी कंद बी यूज इन फीमेल पेशेंट फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट? फिर से एथिकल क्वेश्चन है, करके देखिए। इस पर कुछ ट्रायल हुई नहीं है अभी तक, हो सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं। लेकिन फर्टिलिटी में जो ईस्ट्रोजन का प्रयोग है, उपयोग है, स्किन के कंडीशंस में ईस्ट्रोजन बहुत जरूरी चीज है, और मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम्स में उसमें प्रयोग किया, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। विदारीकंद दो प्रकार का है, हाइपोमिया डिजिटाटा और प्यूरेरिया ट्यूबेरोसा। तो मैं सिर्फ प्यूरेरिया ट्यूबेरोसा की बात कर रहा हूँ इसमें, तो उसको चेक करना चाहिए। तो दो विदारीकंद ऐसे ही ना देते हुए जान ले कि वो कौन सा वाला विदारीकंद हम दे रहे हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। और ये इंटरेस्टिंग है रोहन जी का प्रश्न, तो कोई अगर एमडी पीएचडी का टॉपिक लेना चाहे ऐसा तो करके देख सकता है, या आप अपने क्लिनिक में भी छोटी सा ट्रायल ले सकते हो, पायलट स्टडी जी। वेदर वंगभस्म कॉजेस इंपेयरमेंट इन मॉर्फोलॉजी? नॉट एग्जैक्टली एनी डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर वंगभस्म, बट देर आर अदर भस्मास विच डिफिकल्ट डायरेक्टली इम्पेयर रेतो परीक्षा रिपोर्ट्स। और स्पेशली जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, पेंट्स वगैरह बनाते हैं, येलो पिगमेंट्स जो बनाते हैं, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ उसका, फिर से पीले रंग के कलर्स में जो काम करते हैं, उनको ये बड़ा पाया गया कि मॉर्फोलॉजी और अजुस्पर्मिया तक जाता है। वंग भस्म तो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है वाजीकरण प्रैक्टिस में, स्पेशली इम्पोर्टेंस वाले प्रॉब्लम्स में। ऐसी कोई स्टडी आई नहीं आपके ध्यान में अस्मिता जी, कोई ऐसी स्टडी इम्पेयरमेंट मॉर्फोलॉजी की हुई है वंग भस्म से? वैद्य अस्मिता जी हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए जी सर, बोलो। आई वाज हैविंग अ केस ऑफ हैविंग डिक्रीज्ड मोटिलिटी and simultaneously that time it morphology was very clear normal, so I have given vangavasma in that case when the motility has increased but the morphology that time it has decreased, morphology got impaired. So one of my friend told me that you have given vangavasma and because of vangavasma the morphology is impaired. So what exactly in morphology, abnormal forms? Yes sir, they are given that one only, normal and abnormal forms. That reports are details, reports are with me. Yes, but that's right. What I'm saying, WHO says that only 4% of, yes sir, it was very significantly impaired sir, morphology after treatment was very significantly impaired of after giving vangabhasma. Yes sir. And then when you stopped vangabhasma, no, the patient got bounced after that one. After that, okay. Patient got bounced. Okay, this so is the interesting thing. So, yes, let us see, let us check that in the lab. It can be done very easily in animal experimentation. Yes, sir. We should see that. I hope that it will be reminded. We will take this up, definitely. Vangabhasma. Yes, so, have you not written any short communication, etc. to any journal? I would request you to write with the reports. If not to anything else, you can please send this email to me. Yes, and sir. I will try to put this in letter to editor in Journal of Ayurveda Jaipur. Yes, sir. Because I was not sure whether it has caused the same vangabhasma is the causative factor for the same or something else is there. No, but you can just ask this question. No, it can be a short communication sir. As a question to the others. So this can lead to some other studies, which will be very important. Yes. It should come to four. It should be four. बहुत अच्छा प्रश्न है ये. Okay. तो आना चाहिए सामने. आप लिखिए ना, please. प्रदीप जी. Yes sir. Yes sir. I will write sir. Okay. Reports के साथ आप भेज दीजिए. जी sir. जी. तो कोशिश करते हैं इसको छापने की. जी sir. Sir, next question.
following celibacy contributes to Shukra, Virya or Ritas? What we have to take more precisely? Celibacy in what? As in Brahmacharya? Yes, sir. Brahmacharya, he says. Ahar Nidra and Brahmacharya, he says. And he, whether the Brahmacharya has to, or he says that Shukra Rakshan has to be done. Because the life, the whatever that he has said, 10 important things where the life resides, in that Shukra is also there. So, this is very important. This celibacy is as in Ahar Nidra Brahmacharya or Ahar Nidra Abrahmacharya, as Vagbhat says in one reference. This very important, and it applies to Shukra, not just to Virya or Retas. Virya and Retas are just the offshoots of Shukra. These concepts of Ahar, Nidra are very big concepts. They impact us genetically. So Brahmacharya also impacts us genetically. Okay, sir. That is epigenetics. After this session only, we can able to separate Shukra, Virya and Retas. Now my question was whether the Shukra Dharana or the not Dharana, Rakshana, Shukra Rakshana will contribute, Brahmacharya will contribute to Shukra, yes. Virya or Retas. Now after this session, I can understand that Virya is the potency. Yes, sir. So following the Brahmacharya will increase the potency of the person in all aspects. Yes, but not only after physical. Increasing Shukra. First, yes, it will impact Shukra. So, yes, sir. Basically, it will impact Shukra. Baki ka sab Shukra se aega. So now we have taken Shukra as the nucleoplasm. Yes. One aspect of Shukra is nucleoplasm. One aspect we have to take. Epigenetics. Genetics and epigenetics. Okay, sir. Yes, sir. One more case, may I ask you, sir? Yes, please. Sir, I was having a case where there was a recurrent intrauterine deaths. The person was around 35 years, approached with me for infertility. And when I have taken the past history, he was the 11th child. With tremendous efforts, the doctor and the gynecologist and the couple has taken to stop the intrauterine death. Previous to that, there was 10th intrauterine deaths everywhere, every time. And this fellow also was having azoospermia. Okay. No detailed study has been not done further. And whether we have to take this as a karmaja vyadhi or whether some other factors may be involved in that one, or how should we have to anything, how we can help to this couple? Karmaj Vyadhi is always there. One aspect is there. But what is in our hands is that we should check for the lab test, like torch and all that. That might have been done. Yes, sir. Even the biopsy also has been done. Testicular biopsy was also done. And it was a Sertoli cell only syndrome. Okay. So actually then basic garbhadharana should not have happened. That is no sir, for that only they approached me. Couple has been approached. In that case I found that male is azoospermic, and past history, just I taken the family history. In that family history, the male's mother, the male was the 11th child with very efforts. After 10 intrauterine deaths. Yes. Okay. It was not miscarriage. Every time in the 8th month. Absolutely Karmaj Vyadhi. Cannot do anything of that. Yeah. We have to just ask them to adopt. Yes. Absolutely. Nothing much can be done. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, conception in Rajakal, or Vavah in Rajakal, Mrityu jo hetu, uska parinam bataya hai, to wo bhi hetu... Anayush karananam. Ji. Rajakswalagamanam. Ya, aise. Lakshmi mukhanam bataya hai wo, pardaragamanam. Aur pardaragamanam anayushanam hai. Aur rajakswalagamanam. अलक्ष्मी मुखा नाम, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हो, पर
मॉडर्न मेडिसिन का साइंस ऐसा कुछ नहीं कहता है, पर डिपेंड्स। देखिए तीन कंसेप्ट है इसमें डॉक्टर साहब, तीन अलग अलग शास्त्र आते हैं इसमें प्ले। एक तो है सेक्सोलॉजी, अगर आप समझ रहे हो इस बात को, जो काम शास्त्र से आता है कंसेप्ट सेक्सुअलिटी में। एक है हमारा शास्त्र ना आयुर्वेद का, और आयुर्वेद के और धर्म शास्त्र वाला कंसेप्ट, और एक है मॉडर्न मेडिसिन की आधुनिक विज्ञान के अपने कंसेप्ट। तो हमको ये तीनों की खिचड़ी पकानी होती है, और फिर हम अपने टेस्ट के हिसाब से कभी घी डालते हैं उसमें, और कभी कुछ मसाले, कोई कुछ मसाले, अपने अपनी पसंद। तो आपको क्या इसमें से लेना है वो डिपेंड करता है। एक्चुअली सेक्सुअलिटी एंटायरली दो पर्सन के बीच का, उनके बेडरूम के अंदर का मामला है, कि वो किस प्रकार की एक्टिविटी कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, उस पर हम मोरली कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसा भगवान शंकर का कहना है काम सूत्र में। नंदी कहते हैं कि ये दो लोग बेडरूम में क्या करते हैं, वहां बेडरूम शब्द नहीं प्रयोग किया है, पर बात वही है कि एकांत में वो क्या करते हैं वो उनका इशू है, उस पर हमने कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो रजस स्वला के साथ संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो दोनों का आपसी प्रश्न है। उससे क्या होता है ये वो जाने, अगर उसको वो उसमें खराब नहीं लग रहा है उस मेल को भी और फीमेल को भी, तो फिर वो सौमनस्य है उनका, और अगर खराब लग रहा है तो सौमनस्य नहीं है। हम तो केवल इतने से इसमें, वो अगर प्रॉब्लम लेके आते हैं हमारे सामने, वो लेडी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता और ये जबरदस्ती करता है, तो फिर वैसा काउंसल करना पड़ेगा उनको, और वो मेल कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता पर ये कहती है, तो फिर वैसा काउंसल करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसका फिजिकल मॉडर्न मेडिसिन में तो कुछ मिला नहीं है अभी तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर प्रकृति वाइज रेतो परीक्षा डिफर्स? नो सच स्टडी हैज बीन मेड, देयर इज नो एविडेंस ऑफ दैट, बट इट शुड इफ वी कैन मेक एन हाइपोथेसिस। ऐसा कहा गया है कि कफ प्रकृति वाले के पास का रेतो परीक्षण एकदम अच्छा रहेगा ना, बलशाली है वो, तो ये जो क्षीण अल्प वगैरह क्लासिफिकेशन है वो अल्प मध्य वय बाल वय वगैरह के भी है ना, मध्यम वय में नॉर्मल होता है, वृद्ध में स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, तो उसमें वात वृद्धि मिलती है, तो ये प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं। पर ये भी एक अच्छा टॉपिक है किसी को चेक करने के लिए रेतो परीक्षा लैब में, इंटरेस्टिंग, करते हैं इसको भी, लेते हैं हम अभी तक, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं ऐसा कोई डिटेल, पेपर नहीं पढ़ा जी। पॉलीसाइथेमिया वेरा विद स्लगिश स्पर्म 20%, व्हाट इज द रिलेशन, इन विच वे वी शुड थिंक? पॉलीसाइथेमिया वेरा इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, माने अपने आप में रक्त धातु की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट मैलिग्नेंसी की तरफ गई हुई, और उसको हम इसके साथ क्यों कोरिलेट करना चाह रहे हैं? स्लगिश स्पर्म्स 20% तो एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई चिंता ही नहीं है इसकी। मुझे रेतस परीक्षा में इस गति का मुझे कोई लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, 20% स्लगिश स्पर्म्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, नो इश्यूज। पॉलीसाइथेमिया वेरा बड़ा प्रॉब्लम है, यू शुड ट्रीट दैट फर्स्ट। प्लीज एक्सप्लेन फीमेल सार्वदेहिक शुक्रदृष्टि, कैन वी ट्रीट विद शुक्रशोधन गन, कटफल, उशीर, पुष्प? यस 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 यस, वी शुड एंड दैट शुक्रदृष्टि मैनिफेस्ट इन सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। शुक्रदृष्टि एज इन विविध आशित पीति अध्याय इज डिफरेंट काइंड, बट शुक्रदृष्टि के जो एक्नी वगैरह के मैनिफेस्टेशन भी मिलते हैं आजकल, उसको भी हम शुक्र दृष्टि में ही लेते हैं, फीमेल्स में ज्यादा मिलते हो, तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए। और ये शुक्र शोधन गन से होता है, अच्छे रिजल्ट से, सिर्फ बाह्य धावन भी उससे ना, शोधन वॉश करना और फिर इंटरनल काढ़ा जी। काइंडली हाईलाइट ऑन HOS टेस्ट।
HOS टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल पर ये हाँ स्पर्म फंक्शन टेस्ट है हाइपोऑस्मोलैरिटी टेस्ट स्पर्म की फंक्शन की टेस्ट है इजी इट इज रीजनेबली डन इजीली इन लैब एंड अगर हम अपनी रेतस परीक्षा की लैब एस्टेब्लिश करते हैं तो ये सारे टेस्ट संभव है हमारे यहाँ होनी चाहिए करते रहने चाहिए तो ये उसकी सर्वाइवल इंटीग्रिटी बताता है स्पर्मेटोजोआ के मेम्ब्रेन्स की और वो उसका पेनेट्रेशन किस प्रकार से कर सकता है कर पाता है या नहीं कर पाता है और तो उसके स्पर्म के इंटीग्रिटी की उसके फंक्शन की टेस्ट है ये और जरूरी है अच्छी चीज है हाउ शुक्र इज कंट्रीब्यूटिंग टू चवनता और धैर्य चवन इज ऑफ फिजिकल स्थिति ऑफ शुक्र एंड धैर्य इज अ मानस भाव इज क्वालिटी और कर्म ऑफ मन सो एंड शुक्र इज व्हेन वी गो टू एंशियंट टाइम्स देर इज अ सूक्त कॉल्ड पुरुष सूक्त एंड देन देर इज अ सूक्त कॉल्ड नासदीय सूक्त इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट देर इज अ नासदीय सूक्त एंड इन नासदीय सूक्त द क्रिएशन इज डिस्क्राइब्ड एज मनसो रेता कि मन उद्रिक्त हुआ ईश्वर का और उससे रेत का श्रवण हुआ उससे शुक्र की च्युति हुई और ये सारे मन के फैक्टर्स है चरक भी कहते हैं एक जगह पे बड़े बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी कि संकल्पो वृक्षानाम अगर मन का संकल्प है तो ही वृक्षता हो सकती है तो ही सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है मन ही अगर रम नहीं रहा है उसको उसका सिग्निफिकेंट अदर या उसकी पार्टनर अच्छी नहीं लग रही है किसी भी वजह से उसमें मन नहीं लग रहा है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता आगे का ना तो ये जो सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो मन के कॉज की वजह से है तो ये धैर्य वगैरह जैसे जो फैक्टर्स है ये मन पे आते हैं आप अगर इसको च्यवनता या एक जिसको हम कहते हैं अलग कंडीशन अर्ली इजेक्यूलेशन या पहले पहले के वही टर्म था ना अर्ली इजेक्यूलेशन भी जान रहे ये सारे के सारे वीर्य के क्षेत्र के टर्मिनोलॉजीज है जुड़े हुए इजेक्यूलेशन से पर एग्जैक्टली फर्टिलिटी से नहीं जुड़े हुए है ये कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेजम कंसेप्ट ऑफ इजेक्यूलेशन अर्ली इजेक्यूलेशन और इरेक्शन ये सब मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस में आते हैं और मन का बहुत बड़ा रोल है इसमें अगर आप काउंसलिंग नहीं आधे कंसेप्ट आप आधा तो उसको काउंसलिंग करके ठीक करते हैं इसलिए दो प्रकार के थेरेपिस्ट है सेक्सोलॉजी के एक जिसको कहते हैं सेक्सोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं जो बैठ के सेशंस और थेरेपी के सेशंस लेते हैं घंटों और एक होते हैं यूरोलॉजिस्ट है ना आ रहा है आपके ध्यान में जो पिनाइल डिफॉर्मिटीज को ठीक करते हैं या एरेक्टाइल डिसफंक्शन में इम्प्लांट्स करते हैं जिनके पास एनपीटी टूल्स होते हैं तो ये दो प्रकार की ट्रीटमेंट्स होती है इसमें तो मन का मन की सहायता लेके जो काउंसलिंग करते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है और आयुर्वेद तो बहुत काम कर सकता है इसमें करता ही है एक्सक्यूज मी सर यस सर विद द सेम रेफरेंस means shukram dhairyam priti chavanam this is the karya of the shukra so with this one what I tried is in some of the patients of having phobia or those are having anxiety depression in those cases I just tried with vajikaran dravyas yes and with vajikaran dravyas I got the good results with that one so might be that has contributed to shukra dhatu and that is increasing their dhairya this was my concept and I got very good results but I don't know how it has worked So, but so with expert only, I'm asking. For the time being, let it go. What I would again request you, Pradeep ji, is to you should publish this kind of data. This is what Ayurveda is lacking. अगर आपके पास before and after के results है, reports है, छोटी सी case series ही सी, चार ही patient है, ज़्यादा नहीं चलेगा. भेज तो दो, publish तो करो. Public domain में ले आओ इसको. Interesting. We are getting very good results in case of anxiety depression, sir. Anxiety depression cases, you go for Vajikaran Dravyas, you got very good results.
Good. And one more thing is, sir, in case of some of the diseases where, like in psoriasis, I have tried, I just asked the patient to go with the brahmacharya. Mm-hmm. If the patient follows brahmacharya, I observed a little bit faster results. Okay. Interesting. So, Pradeep ji, have you done your MD? Yes, sir. In Kai Chikitsa. Yeah, I did in Kai Chikitsa, sir. From SDM College, Udupi. Okay, good. Dr. Nagaraj Pujari, sir, was there for me. Yes, yes, good. He is a Vajikaran specialist. He was our teammate in Vajikaran lab. His MD thesis is in Vajikaran. Yes, sir. So Nagaraj Pujari ji was your guide? Not guide, sir. Guide was somebody else. But he was teaching us. He was having lecture on Vajikarana every Saturday. Great, great. So, good. His MD thesis was in Vajikaran, I remember. He's a very good teacher. Sir. So, you know this procedure of publishing. I would request you to publish. Interesting thing is, I'm practicing at Kolhapur and we have got an andrology lab here. So that is the best point for me. So andrology lab, they give 5 pages, 7 analysis report. And all that very nicely they give. And they give a CD also of live this one. Beautiful, beautiful. So please start publishing. That will contribute a lot to our Shastra. Just keeping it to yourself will do no good. You have got lots of good concepts. So bring that to notice of others, big people. So let it come in the publication world. Yes, thank you, sir. Yes, sir. Last question. Is the concept of Ritucharya there mentioned about frequency of Maithun according to Kala? Can that be taken in consideration while going for test and also while counseling couple? And please put highlights on relation of Shukra, Retas and Kala. Absolutely. If at all any Dhatu is directly related with Kal, it is Shukra oblique Retas. Absolutely. So, what we know, there is a very reasonable seasonal ups and downs is happening. Of just the mood, Garmi ka alag mahol hai, Sardi ka alag mahol hai, Visarga kaal, Adan kaal, iska jo bhi impact bataya hai, humare man pe, humare sharir pe, wo sabse jyada dikhta hai humko apne bhojan ke style pe, humara seedha badal jata hai. हमारी इच्छा ही बदल जाती है खाने का. दूसरा होता है निद्रा, हमारी नींद और हमारे सोने की स्टाइल्स बदल जाती है सीजन के हिसाब से, काल के. और तीसरा सीधा सीधा वो ब्रह्मचर्य वाला काम है, काल के हिसाब से वैसे ही असर होने लगता है. और जो मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है WHO की. WHO जो ये नॉर्मल वैल्यूज पब्लिश करता है स्पर्मेटोजोआ की, अगर हम रेतस की भाषा में बात करें, तो वो करता ही ऐसे वॉलंटियर्स पे जिनसे रोज सैंपल्स लिए जाते हैं. तो उसमें जो फ्लक्चुएशन मिलता है 250 मिलियन से लेके अजूस्पर्मिया तक, और उसका फिर एक मीडियन बनाते हैं वो कि सबसे ज्यादा वैल्यूज किसकी मिली है. मोड मीन मीडियन मोड के हिसाब से, मोड मीन का नहीं यूज करते है, मोड का यूज करते हैं वो. और उससे फिर उन्होंने अभी ये 15 मिलियन किया नॉर्मल. तो ये फ्लक्चुएट होता है हर रोज, हर 2-3 दिन में, और सीजन के हिसाब से तो बहुत फ्लक्चुएट होता है. तो इसको अगर हम ढंग से काउंसिल करें, इसका दूसरा पक्ष भी ये है, अगर सिर्फ मैथुन कर्म को आनंद के लिए न लेते हुए रिप्रोडक्शन तक हम लेके जाए, हमारी क्लिनिकल रोल तो हमारा रिप्रोडक्शन का भी है, तो इनफर्टिलिटी में भी काल का तो बहुत बड़ा रोल है. अगर कोई ऐसा, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक उदाहरण, लिटरली एक्चुअल केस है जिसमें सिर्फ काल के दृष्टि से उसकी काउंसिलिंग की गई तो वो ठीक हो गए उनका प्रॉब्लम. इनफर्टिलिटी का कपल था, हस्बैंड ट्रैवलिंग सेल्समैन था, है माने, और कोइंसिडेंटली जो वाइफ का ऋतुकाल था, ऋतुकाल माने रजस वाला काल नहीं, एक्चुअल ऋतु माने ओव्यूलेशन जब हो रहा है, उसके 2-3 दिन तक की तो फर्टिलिटी पीरियड है, उसमें वो बाहर जाता था तो कैसे कंसीव होगी वो. उनको एज अ प्रिस्क्रिप्शन
उसको लिख के देने, एक दो दिन का एब्सटिनेंस रख के इस तीन दिन में टीडीएस पॉसिबल हो तो सेक्सुअल इनक्यूबेटर कोर्स करें, और जरूरत पड़ी तो छुट्टी ले आपने अपने ट्रैवलिंग सेल्समैनशिप से। तो उसने किया और दो महीने में कंसीव हो गई वो, जो 5-6 साल से नहीं हो रही थी क्योंकि वो घूमते रहता था। तो ये तो काल का ही रोल है ना, इसमें हमने दवाई भी कुछ नहीं दी, देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका सिर्फ टाइम फैक्टर कोइंसाइड कराया दोनों का, वाइफ का और हस्बैंड का। तो काल का तो बहुत बड़ा रोल है। तो ओवुलेशन पे फोकस करना चाहिए या चतुर्थ दिन से हमें बताना चाहिए? ओवुलेशन बिल्कुल साइंटिफिक, अगर हमको पता है बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर हम ले सकते हैं, और वो पेशेंट तो जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है वो तो आप जो बताए वो करने को तैयार होता है। तो बीबीटी तो लेता है सबसे पहले उठते ही, बेसल बॉडी टेम्परेचर बहुत अच्छा टूल है, इजी टूल है, वो पता चल जाता है हमको कि ओव्यूलेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर रेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है उसका, रेगुलर पीरियड्स है, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ओव्यूलेशन कब होगा। तो एक ओवम के बॉडी में 3 दिन रहता है, सीमेन स्पर्म 3 दिन जीवित रहता है फीमेल शरीर में, मैक्स 24 घंटे रहता है तो एवरेज। तो इन सब कैलकुलेशंस को लेके हम बता सकते हैं उसको ना, प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन में, इस डेट को आपको इंटरकोर्स करना है एटलीस्ट ट्वाइस में बीजी डोज में, तो सुनते भी है बेचारे पेशेंट्स। जी सर, आपका मेल आईडी और ठीक है, है ना आपके पास दे, है ना डॉक्टर ग्रुप पर? जी मैं ग्रुप पर डाल दूंगी सर। जरूर जरूर। तो व्याख्यान की यशस्विता इसी में है कि कितनी क्वेश्चंस आए या कितनी शंका उत्पन्न हुए और इतनी फ्रूटफुल चर्चा हुई। मुझे लगता है सभी श्रोतागण अभी संतुष्ट हुए होंगे, और आपने जो भी मार्गदर्शन किया है उस हिसाब से क्लिनिक में चिकित्सा करते समय, निदान करते समय ध्यान में रख के उसका अवलंब करेंगे। आपके इस ज्ञानपूर्ण व्याख्यान के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़े लोगों के साथ, मेरा भी एक वराटिका का भी यूज किया आपने, बहुत बड़े हीरे है आप लोगों के सामने ना वज्र, तो आपको भी धन्यवाद। अच्छा लगा, आप बड़ा अच्छा उपक्रम चला रहे हो, इसलिए मैंने आपको मना नहीं कर पाया, मैं आपको एक दो बार आपको डिले जरूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर, ये धन्वंतरी की कृपा है, कोई मना नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल आप अच्छा उपक्रम कर रहे हो, इसमें जो भी मेरी थोड़ी सी आहुति रही आपके यज्ञ में उसको बड़ा हम्बली आप एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा मुझे मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी तो अच्छा तो काम कर ही रहे हो आप, कुछ उपयोग हुआ होगा आपको ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अपने तरफ से कुछ नया बताने की कोशिश, नया इन द सेंस कि इस प्रकार से हमने सोच के अपनी लैब आयुर्वेद के शास्त्र की वृद्धि करनी चाहिए ऐसा लगता है, जो कर सकते उन्होंने तो करनी चाहिए। तो ये प्रदीप धवले जी से बड़ी उम्मीद है ये कुछ करेंगे, अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी लैब एस्टेब्लिश करने में ना आयुर्वेद के पैरामीटर्स। ठीक है ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू पुनर्मिलन।